हम एक जरूरी ऐलान फरमाना चाहते हैं। काफी गौर और फिक्र के बाद हमने ये महसूस किया है कि हिंदू यात्रियों से तीर्थ यात्रा महसूल वसूल करना खुदा की शान को सिक्कों में तोलने जैसा, और इसीलिए हमने आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। उनके शैतानी कामों को दबाने के लिए लिख दी जाती है उनकी बड़ाई में चंद किताबें, और फिर शुरू होता है उनके गुणगान का सिलसिला। हमारे भारतवर्ष में इसी तरह का गुणगान एक शैतान का किया गया है, लेकिन हम सच्चे इतिहास के प्रेमी इसे भला कैसे सहन कर सकते हैं? ऐसे में अकबर को लेकर ये सवाल निशान बना हुआ है। क्या अकबर को आप एक महान सम्राट मानते हैं? क्या वाकई अकबर महान था या शैतान? ये एक बड़ी चर्चा का विषय है। इस पर इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। हम जानेंगे क्या सच में अकबर महान था या फिर वो एक बहुत ही बड़ा शैतान था। तो चलिए एक बार फिर इतिहास की ओर चलते हैं और पता लगाते हैं क्या सच में अकबर महान था या फिर इसकी महानता के पीछे छुपा था उसके हैवानियत का राज। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अकबर का सच जो हमसे छुपाया गया और गलत इतिहास पढ़ाया गया। कभी भी कोई भी आत्मसम्मान वाला देश उसके देशवासी अपने देश को लूटने, अपनी बहन बेटी के बलात्कार करने वाले और हर तरह के व्यभिचारी आक्रमणकर्ताओं लोगों के द्वारा लिखा इतिहास स्वीकार नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों को क्या हो गया जो हम महाराणा प्रताप को कायर और अकबर को महान बोलते हैं? अकबर को महान बोलने वाले लोग यहाँ पर भी देखें कि कैसे हम लोगों से सच को छुपाकर आज तक गुलाम बनाकर रखा गया। क्या अकबर महान था या शैतान? पहले तो हम आपको अकबर के किए गए कुछ अच्छे काम और कुछ बुरे कामों के बारे में बताते हैं, जिसे पढ़ने के बाद आप खुद फैसला कर पाएंगे कि अकबर महान था या शैतान। अकबर महान इसलिए था क्योंकि उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो प्रजा के लिए बहुत अच्छे थे। अकबर ने धर्म के आधार पर टैक्स बंद कराया। अकबर ने 1564 में जजिया कानून पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कानून हिंदुओं के लिए था क्योंकि वो पूजा पाठ करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिसके लिए हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था। अकबर ने इस कानून को बंद करा दिया और ये फैसला किया कि कौन कितना अमीर है उस हिसाब से उसे टैक्स लिया जाएगा। अपने मंत्रिमंडल में हिंदुओं को जगह दी। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने अपने मंत्रिमंडल में हिंदुओं को जगह दी थी। इससे पहले कोई भी मुगल सम्राट ने ऐसा काम नहीं किया था। अकबर के समय हिंदू भी अपने राज्य के ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान थे, जो सिर्फ अकबर ने किया था। शादी के लिए उम्र तय की। अकबर ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था और लड़कियों की शादी के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 16 साल की उम्र तय की थी। एक से अधिक विवाह पर टैक्स लगाया। उसने विधवाओं को पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया। सती प्रथा बंद कराई। भारतीय समाज में कुरीतियों में सती प्रथा सबसे बड़ी कुरीति है, जिसे अकबर ने बंद कराया। अकबर के आदेश अनुसार जब तक वो स्त्री खुद न चाहे उसे सती कोई नहीं करा सकता। हिंदू धर्म के पवित्र दिन पर मांस की बिक्री बंद कराई। अकबर हिंदू धर्म का भी उतना ही सम्मान करता था जितना वो इस्लाम का करता था। उसने ये नियम बनाया कि हिंदू धर्म का पवित्र दिन जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली जैसे दिनों पर मांस का बिकने पर पाबंदी लगा दो। अकबर ने हिंदुओं के रीति रिवाजों को बारीकी से समझा और इस हिसाब से अपने राज्य में नियम बनाए ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों को कोई तकलीफ ना हो। नवरत्नों की स्थापना की। अकबर में आदमी को परखने की भरपूर क्षमता थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नवरत्न मिलता है। अकबर ने अपने दरबार में 9 अपने अपने कार्यक्षेत्र में महारत हासिल किए हुए लोगों की टीम बनाई, जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कई हिंदू भी शामिल थे। उसने युद्ध बंदियों के बीवी बच्चों को बाजार में सरेआम नीलाम करने पर पाबंदी लगा दी थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब तक के मुगल के सबसे अच्छा राजाओं में से एक थे, जो हिंदू और मुस्लिम को बराबर देखते थे। ये सभी तर्क देकर इतिहासकार कहते हैं कि अकबर एक महान राजा था। वहीं इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग ये भी कहता है कि अकबर क्रूर, निर्दयी और हवस भरा इंसान था। अकबर शैतान था क्योंकि प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जो लिखते हैं, अकबर एक क्रूर, निर्दयी, निर्लज, बलात्कारी और हवस से भरा हुआ राजा था। चलिए फिर आपको अकबर के दूसरे साइड से रूबरू करवाते हैं, यानी एक अच्छाई और एक बुराई, जिससे आप ये जानेंगे कि अकबर शैतान क्यों था। अकबर हवस से भरा हुआ आदमी था। उसके हरम में करीब 5000 औरतें थी जो उसका और उसके दरबार के लोगों का मनोरंजन करने के लिए रखी गई थी। 14 अगस्त 1582 के दिन अकबर ने 2 ईसाई युवकों को इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने पर अपने हाथ से उनका कत्ल कर दिया। ये दोनों युवक सूरत के थे। इन दोनों युवकों के जान के बदले ईसाइयों ने 1000 सोने के सिक्के देने की भी बात की थी, मगर अकबर हत्या करना ठीक समझा। 1587 में अकबर ने एक नियम निकाला
जिसमें जो व्यक्ति अकबर से मिलना चाहता है वो अपने उम्र जितना मुद्रा देना पड़ेगा, तभी वो अकबर से मिल पाएगा। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने सती प्रथा बंद कराई, तो वहीं दूसरे इतिहासकारों का एक वर्ग है जो कहता है कि अकबर ने सती प्रथा केवल इसलिए बंद कराई ताकि वे युद्ध में मारे गए राजाओं की सुंदर पत्नियों को अपने हरम में डाल सके। अकबर औरतों के भेष में मीना बाजार जाता था और जो औरत उसे पसंद आती उसके सैनिक उसे उठाकर अकबर के हरम में डाल देते। अकबर ने बैराम खान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। बैराम खान ने अकबर को हर समय दुश्मनों से बचाया। बदले में अकबर उस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे अपनी बची हुई जिंदगी मक्का मदीना में गुजारने का हुक्म दे दिया। उसकी नजर बैराम खान के सुंदर पत्नी पर थी, इसलिए उसने ऐसा किया। इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि अकबर को देवी आते थे, मगर सच तो यह है कि उसे मुर्गी के दौरे आते थे। अकबर ने हिंदू राजाओं को हराने के बाद उनकी बहू बेटियों से विवाह किया और बदले में उससे राज्य वापस कर देता था। इस तरह उसने अपने हरम में सैकड़ों हिंदू औरतों रखा था। यही सब बातों की वजह से अकबर को महान नहीं माना जाता है। अब आप फैसला करके कमेंट में बताइए अकबर महान था या फिर शैतान। वैसे हमने अकबर के अच्छे काम और उसके बुरे कर्मों के विषय में चर्चा की, जिससे हम ये जान सकते हैं कि अकबर महान था या शैतान, क्योंकि इतिहास अकबर के समय में ही लिखा गया था, इसलिए इतिहास लिखते समय निष्पक्षता नहीं थी। उस समय केवल अकबर की प्रशंसाएं लिखी गई थी, इसलिए आज हमारे सामने सच नहीं है। इतिहासकारों के बीच मतभेद भी है। अकबर के बारे में आज भी सब कुछ धुंधला है, कुछ भी साफ नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अकबर की महानता या फिर उसकी हैवानियत के बारे में? अकबर कैसा था? हमने तो अकबर के दोनों साइड बता दिए, अच्छे भी और बुरे भी। अब फैसला आपका है, आप कौन सा टैग देना चाहेंगे उसे। हमें कमेंट करके बताइए आप इन सभी बातों को जानने के बाद अकबर को महान कहते हैं या शैतान। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हमारा इंतजार कीजिए। बाय।